जलेबी ले लो भाई, जलेबी ताजी ताजी घर से बना के लाया हूँ अभी। सहज से भी ज्यादा मीठी और पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरी। अरे योगी जी, अगले सोनिया जी, तुम मंडली बनाकर यहाँ पर बैठे रहती हो, कम से कम जलेबी खा लिया करो मेरी। कोई जलेबी खाने वाला नहीं है, बीच बीच में एक आध उठा के मैं ही खा लेता हूँ, कोई लेने आ ही नहीं रहा। अरे अखिलेश, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई है इस बार खेतों में, अरे तुम ही ले लो 5 रुपए की जलेबी। अरे मोदी जी, अगर फ्री में खिलाओ तो खा ले हम तुम्हारी जलेबी, पैसे तो दे के तुम्हारी जलेबी नहीं खाएंगे हम। पैसे देकर अगर खाना होगा तो तुम्हारी जलेबी थोड़ी खाएंगे। अमित शाह जी रसगुल्ला बेच रहे हैं, वो रसगुल्ले खाएंगे जाके। वैसे भी तुम्हारी जलेबी बिकती नहीं है, कई कई दिन की तुम जलेबी रखे हुई बेचती हो, बासी जलेबी बेचती हो। अखिलेश, अगर जलेबी लेना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरी जलेबी की बदनामी मत करो, रोज ताजी बना के लाता हूँ समझे। यहाँ पर अगर जो बस्ती भी है तो घर जाके मैं खाना नहीं बनाता, यही जलेबी खा जाता हूँ सब। अरे राहुल, तुम बार बार क्या मेरी जलेबी को सूंघ रहे हो आके, ये बताओ लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पर खड़े खड़े जलेबी को सूंघ रहे हो, हटो पास से। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये देख रहा हूँ ताजी तो है जलेबी, जो अभी अखिलेश भाई बता रहे थे कि तुम बासी जलेबी बेचते हो, बासी तो नहीं है, है तो ताजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मम्मी मम्मी, अरे 5 रुपए की जलेबी दिलवा दो मोदी जी से। राहुल बेटा, तेरी जवान भी बहुत चटकारे मानने लगी है, कोई चीज देखी नहीं कि तेरी लाल टपक जाती है। अरे कल तो तूने जलेबी खाई थी मोदी जी की, फिर से मांग रहा है, अब तू कहां से दिलवाऊं तुझे रोज रोज? मोदी जी दे दो 5 रुपए की, इन्हें फसल आने वाली है, खाते में लिख लेना, फसल आएगी तुरंत दे दूंगी। पूरा दिन में 5 रुपए की जलेबी बिक रही है, वो भी उधार बिक रही है, क्या करा जाए। लाओ राहुल कोई थैली उली लाओ, 5 रुपए की जलेबी तुम्हें उसी थैली में दे दूं। योगी जी आज तुम चुप कैसे बैठे हो, तुम ले लो कुछ जलेबी। अरे मोदी जी, तुम्हारी जलेबी की खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भर जाता है, बेफालतू में हम पैसा खर्च करें अपना, और अगर पूरा दिन मीठा सामने रखा रहे तो वैसे खाने का मन नहीं होता है, और वैसे भी हम पूरा दिन तुम्हारे सामने ही बैठे रहते हैं। भाई लोगों, कैसी लगी मोदी जी की जलेबी? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे खाओ अमिताभ सर जी, अच्छे अन्ना भाई, खाओ खाओ जल्दी खाओ। अरे पठान के ब्लॉकबस्टर होने की खुशी में आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से दावत दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने हाथ से देखो ये मिक्स सब्जी बनाई है। चावल तो मैंने तुम सब लोगों के पत्तल पे रख दिए, बस मिक्स सब्जी बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, अब मिक्स सब्जी देता हूँ मैं तुमको। अरे शाहरुख, थोड़ी देर नहीं हो गई, काफी देर हो गई, बहुत देर से हम बैठे, तुम्हारी मिक्स सब्जी तैयार नहीं हो पा रही थी, चावल तुमने पत्तल में 2 घंटा पहले दे दिया हमें, सारे के सारे चावल ठंडे हो गए। चलो जल्द से जल्द मेरे पत्तल में मिक्स सब्जी दे दो। अरे शाहरुख, तुम्हारी पठान अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है? फिलहाल तो अभी कमाई कर ही रही है, लेकिन आज तक कितनी कमाई कर ली उसने? अरे अन्ना भाई, कमाई बात को पूछ लेना, पहले शाहरुख भाई के हाथों का मिक्स सब्जी और चावल तो खा लेने दो कम से कम। अरे कोई बात नहीं है, अच्छे कोई बात नहीं है, बता देता हूँ अन्ना भाई को मैं, अभी तक मेरी पठान 924 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइज कमाई कर चुकी है, 572 करोड़ लगभग इंडिया में और 350 विदेश में लगभग, अभी तो फिलहाल कमाई चली रही है, ये तो मेरी पहली दावत है, अभी तो मैं ऐसी कई दावत आपको खिलाऊंगा। दावत तो शाहरुख भाई मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा, गदर 2 की, वो भी इतनी कमाई करेगी, तुम देख लेना, इससे ज्यादा कमाई करेगी मेरी गदर 2। जब तुमने मुझे दावत पे बुलाया है तो दावत पे मैं भी बुलाऊंगा तुम्हें, फिलहाल तुम्हारी फिल्म पे बायकॉट का कोई असर नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सनी पाजी, आपकी गदर 2 भी अच्छी कमाई करेगी, और हाँ बायकॉट का कोई असर नहीं पड़ा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन शाहरुख भाई, तुमने मुझे चावल क्यों नहीं दिए, सब लोगों को चावल दे दिए? अरे मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। अरे जॉन, तुम भी अजीब बात करती हो, अपना दोनों लोग तो एक ही फिल्म में थे पठान में, पहले इन सब लोगों को खा लेने दो, अपना तो खा ही लेंगे बात को। असल में चावल थोड़े कम बनाए थे मैंने, सच बताऊं तुम्हें, इन लोगों को खा लेने दो, मेहमानों को, अपना तो खा ही लेंगे बात को। अरे मैंने भी अभी नहीं खाया है, और दीपिका को बुलाया था, वो भी अभी नहीं आई है, वो भी आने वाली है, और ये तुम्हारे बराबर में टाइगर श्रॉफ बैठा है, इससे भी मैंने कह दिया है अपना लोग बात को खाएंगे। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ गया भाई, आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, आ गया मदारी, आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए, आ गया जल्दी जल्दी आ जाओ, और हाथ में 50 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगों, आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब, ये बंदर क्या पालतू है,
आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आपको इसको मिलने झुलने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में मिल झुल गया? मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ। अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो या मेरा धंधा छीनने आए हो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो। मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है, उसकी परमिशन लेना पड़ती है। तुम्हें भी परमिशन लेना होगी, आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब, थाने पे आने की क्या जरूरत है, यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके। बोलो क्या कर दूं, बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिया में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो। अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है। चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो। आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है। ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है, समझे? अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ, अभी नचाता हूँ मैं इसको। असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया। अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज? नाच नाच, पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है। लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।